नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इस वक्त हम एलएस कॉलेज में हैं, जहां पर 124वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। आप देख सकते हैं इंडोर स्टेडियम और पार्क का उद्घाटन किया गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातों को भी मंच से कहा है। राज्यपाल ने साफ साफ नई शिक्षा नीति को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम में भी भाग लिया है और कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा इसे लागू करना बेहद ही जरूरी है और बिहार में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार पीछे क्यों है, बिहार हर मामले में आगे है तो बिहार ही पीछे क्यों है। तो कई सारी बातों को वो कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो, कई सारी बातों को उन्होंने बताया है। पौधारोपण भी इस दौरान उन्होंने किया है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। हम भीख मंगे नहीं है, हम दरिद्री नहीं है। बिहार का हर व्यक्ति अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहने वाला सक्षम व्यक्ति बनना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। इसके लिए बिहार ही आगे है, बिहार भी आगे जाएगा। फिर काय के इस दिशा में हम सब प्रयास करें। मैंने कहा, एक जगह कहा था, शिक्षा के बारे में बिहार करवट ले रहा है। बिल्कुल सही, बिहार अभी करवट लेने के लिए सक्षम बन गया है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में उसका प्रभावित हो रही है, तो अपने बिहार में भी हो रही है। तो इसके आज यहाँ के कॉलेज में जो एक कुछ उनके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा था, उसमें इसी विषय को उन्होंने चर्चा के रूप में रखा था। तो मैंने सिर्फ उस कार्यक्रम का मैंने उद्घाटन किया है, वो करते रहेंगे चर्चा वगैरह। नहीं, शिक्षा नीति पौधारोपण किया है। आज वैसे गुरु पूर्णिमा है, सभी गुरु को नमन भी किया है। तो ऐसे सब कुछ कार्यक्रम हो गए, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा नीति कितना आवश्यक है सर, वो तो सभी सभी लोग जानते हैं। इसकी आवश्यकता तो है ही, सब जगह उसका तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है राज्यपाल ने मंच से। कई सारी बातों को, नई शिक्षा नीति के बारे में काफ़ी सारी बातों को भी कहा है। वहीं उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार आगे बढ़ेगा और इस दिशा में पहल की जाएगी। यूनिवर्सिटी और स्नातक डिग्री के बारे में भी उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। तो राज्यपाल मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया है और देख सकते हैं यही वो लंगट सिंह महाविद्यालय है, जिसके आज 124 साल पूरे हो गए हैं। 124 साल का हो गया है महाविद्यालय और इस कार्यक्रम में कई सारे लोगों ने भाग लिया है। और इस दौरान राज्यपाल ने मंच से कई सारी बातों को भी कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।